लेक्चर टू से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने ऊपर एम्पलीट्यूड का एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल देखा था एस एम, दिस इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का आउटपुट। सपोज ये 100 वॉट पावर ले रहा है, मतलब पावर ले रहा है कि क्या मतलब कि जब आपका ये मॉड्यूलेटर ब्लॉक है, ये मॉड्यूलेटर ब्लॉक है, यहाँ से आपका एक एंटीना जुड़ा है, ये एंटीना जुड़ा है। एक्चुअली में ये एंटीना क्या करता है, ये एंटीना ही तो इसको भेजता है, ये पुश करता है इस सिग्नल को, फ्री स्पेस में पुश करता है ये एंटीना। अब इस एंटीना को पुश करने के लिए क्या चाहिए, ऑफकोर्स पावर चाहिए, हर चीज़ को पावर चाहिए। तो ये जो पावर है, ये पावर एक पावर सोर्स हम यूज़ करेंगे वो देगा। तो वही बात होती है कि ये हमारा एंटीना इस जो भी सिग्नल आउटपुट पर निकला है उसको भेजने के लिए 100 वॉट पावर ले रहा है। अब वो टोटल 100 वॉट ले रहा है, उसमें दो कंपोनेंट है। ये जो पहला वाला कंपोनेंट है ये आपका कैरियर का कंपोनेंट है, इसमें कोई भी मैसेज सिग्नल का कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है। सेकंड वाला आपका मैसेज सिग्नल का कंपोनेंट है। सपोज ये 40 वॉट पावर ले रहा है और ये 60 वॉट पावर ले रहा है, तो इस पावर को मैंने क्या बोला, कैन बी सेव्ड, इसको बचाया जा सकता है, पर हम बचाएंगे नहीं। इसको मैंने क्रॉस हल्का हल्का इसलिए किया कि इसको बचाया जा सकता है क्योंकि इसमें कोई मैसेज का हमारा कंपोनेंट नहीं है, हम इसकी नीड नहीं है। लेकिन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में इसको इसलिए नहीं बचाते क्योंकि एक्स्ट्रा कैरियर ट्रांसमिशन पावर विल बी वेस्टेड, बट डिमॉड्यूलेशन बिकम सिंपल, क्योंकि डिमॉड्यूलेशन आसान हो जाता है आपके इस टर्म के प्रेजेंट होने से, इस टर्म के प्रेजेंट होने से डिमॉड्यूलेशन आसान हो जाता है। हम बचा सकते थे पावर लेकिन बचाते नहीं है, इसीलिए सब केसेस बने, फेज मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर भी अलग अलग तरीके के मॉड्यूलेशन, तो इसी वजह से बने। तो हमारा जो बेसिक वाला है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सबसे सिंपल, तो वहाँ पर हम इसको सेव नहीं करते, इसको भी ट्रांसमिट कर देते हैं ओके, क्योंकि डिमॉड्यूलेशन हमारा आसान हो जाए। अब बात करते हैं स्पेक्ट्रम एनालिसिस ऑफ मल्टीटोन एएम, मल्टीटोन मतलब मैनी फ्रीक्वेंसीज। तो कुछ आपका सिग्नल इस तरीके से है, ये है, यहाँ पे काफ़ी सारी फ्रीक्वेंसीज है, ये माइनस ओमेगा से ओमेगा तक एग्जिस्ट करता है, ये एमटी था, इसका आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया तो ये आपका एमएफ बन गया। अब इसकी बैंडविड्थ को अगर देखा जाए तो बैंडविड्थ क्या होती है, हाईएस्ट पॉजिटिव वाला हमारा हाईएस्ट पॉइंट मतलब ओमेगा, और पॉजिटिव ही हमारा लोएस्ट मिनिमम तो जीरो, तो ओमेगा हर्ट्ज इसकी बैंडविड्थ है। अब इसका जो बनेगा, ये हमने ऊपर भी बनाया था कुछ, तो वैसा ही है, इसका जो बनेगा उसको देखते हैं आउटपुट। तो ये हमारा कुछ ऐसा बना। अब इसको हमने कैसे बनाया, जो ये सिग्नल है इसको, क्योंकि ये जीरो के अराउंड था, पर इसको हमने क्या किया, मॉड्यूलेट कर दिया। तो अब ये बनाया हमने एफ सी के अराउंड, ये एफ सी के अराउंड बनाया। अब इसको बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, क्योंकि ये जीरो के आगे क्या था, इसको हम लिख सकते हैं जीरो प्लस ओमेगा, लिख सकते हैं कि नहीं, इसको लिख सकते हैं जीरो माइनस ओमेगा, ये एज इट इज रहेगा, जो माइनस ओमेगा जीरो माइनस ओमेगा एक ही है, जीरो प्लस ओमेगा और ओमेगा एक ही है, मतलब आपको जो मिडिल फ्रीक्वेंसी है उसमें आप ओमेगा ऐड कर रहे हो, ओमेगा सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ओके। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, एफ सी प्लस ओमेगा एंड एफ सी माइनस ओमेगा, तो इसको याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सिमिलरली ये माइनस एफ सी है, तो ये जो मिडिल पॉइंट है इसी से आप इसमें प्लस कर दो, तो माइनस एफ सी प्लस ओमेगा एंड दिस इज माइनस एफ सी माइनस ओमेगा, तो इनको लिखने का तरीका। अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है, ये जो मिडिल फ्रीक्वेंसी और ये जो यहाँ पे एक ये बन रहा है एरो, ये हमारा कैरियर का कंपोनेंट है, तो एक्चुअली में इसमें कुछ भी मैसेज का कंपोनेंट सेव नहीं होता। ये जो फर्स्ट टर्म था ये वही वाला टर्म है जिसमें 60 वॉट पावर्स आ रही थी, इसकी हमें जरूरत नहीं है। मेन चीज हमारा ये है, तो इनको हमने क्या नाम दिया, साइड बैंड्स, इनको हमने साइड बैंड्स बोला। ये बैंड है एक, मतलब बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये साइड है, ये हमारा अपर साइड बैंड है। सिमिलरली इस साइड के बाहर वाला भी हमारा अपर साइड बैंड ही है, और ये जो ये अंदर वाले बैंड है, ये वाला आपका ये और ये वाला, ये आपके लोअर साइड बैंड्स है। तो ये डायग्राम हम याद रखेंगे, ये अपर साइड बैंड है और ये लोअर साइड बैंड है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ये एरो, ये हमारा क्या है, ये वाला, ये हमारा एक कैरियर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है, इसकी हमें वैसे जरूरत नहीं है, फिर भी डिमोडुलेशन को आसान बनाने के लिए हम इसको भी ट्रांसमिट कराते हैं। आगे देखते हैं, जो हमारा इसकी बैंडविड्थ देखेंगे, जो ये सिग्नल है, ये जो सिग्नल है इसकी बैंडविड्थ की अगर बात करी जाए, तो आपका हाईएस्ट पॉजिटिव एफ सी प्लस ओमेगा और माइनस ऑफ आपका ये इतना है केवल एफ सी माइनस ओमेगा, ओके, बीच में तो माइनस लगता ही है। ये है, आपने ये वाली फ्रिक्वेंसी ली है और ये वाली फ्रिक्वेंसी ली है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 2 ओमेगा आ गया। तो आपकी जो एएम मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसकी बैंडविड्थ 2 टाइम्स है मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ के, तो ये दुगनी हो गई, ये याद रखने वाला पॉइंट है। एमटी की बैंडविड्थ ओमेगा हर्ट्ज, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड की 2 ओमेगा, सिंगल साइड बैंड, अब यहाँ पे नाम ही एसएसबी, तो यहाँ से आप एसएसबी को याद रख लेंगे, कुछ मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, बस समझते जाना है, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जोड़ते जाना है। तो ये सिंगल साइड बैंड मतलब केवल एक साइड बैंड को यूज कर रहे हैं, वो भी सिंगल या अपर या लोअर उस तरीके से। इसकी फिर से हाफ हो गई,
तो टू ओमेगा और ओमेगा इसकी केवल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर जहां पूरा हम डबल साइड बैंड भेजते हैं। तो चैनल बैंडविड्थ हमेशा सिग्नल बैंडविड्थ से ज्यादा होनी चाहिए, और ये हमने ऊपर देखा था कि चैनल बैंडविड्थ का मिनिमम जो होता है वो सिग्नल बैंडविड्थ हो सकती है। तो ऐसा किस केस में मिनिमम वाला? एसएसबी के केस में है कि जो मैसेज की बैंडविड्थ है वही हमारा चैनल की बैंडविड्थ भी उतनी है मिनिमम, क्योंकि हो सकती है पॉसिबल तो ओमेगा से हमारा काम चल जाएगा। इट इज गुड एज ओमेगा इज लेस देन टू ओमेगा, ये अच्छा है, एसएसबी अच्छा है क्योंकि ओमेगा टू ओमेगा से कम है, तो ये क्या करेगा हाई चैनल बैंडविड्थ को डिमांड करेगा टू ओमेगा वाला। अब ये क्योंकि टू ओमेगा का सिग्नल हम भेजना चाह रहे हैं, ये टू ओमेगा है ये पूरा, ये टू ओमेगा इतना, तो चैनल भी उसके हिसाब से उतना ही बड़ा होगा। चैनल भी उतना ही बड़ा होना चाहिए, जितना हमारा बैंडविड्थ ज्यादा होगी सिग्नल की, जो आउटपुट का सिग्नल है उतना ही बड़ा चैनल चाहिए। तो एसएसबी में क्योंकि ओमेगा ही है और मैसेज की भी ओमेगा, भाई मैसेज से कम तो कर ही नहीं सकते हैं, मैसेज की ओमेगा एसएसबी की ओमेगा, तो हमारा कम चैनल के बैंडविड्थ से काम चल जाएगा। तो एसएसबी सबसे अच्छा है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर ठीक है। अब बात करते हैं कुछ हमारा एक्सप्रेशंस की। तो सबसे पहले हमने लिया सिंगल टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड एएम सिग्नल एस एम से एएमटी एसी 1+KAMT इंटू कॉस 2π fct, ये हमारा सिग्नल था। ये जो पहला कंपोनेंट है एसी इंटू वन इंटू, ये हमारा ये कैरियर वाला कंपोनेंट है। लेट मैसेज सिग्नल को लिया एएम इंटू कॉस 2π mt, इसको भी हमने कोसाइन के फंक्शन में ही ले लिया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या देखना है कि इसकी फ्रिक्वेंसी 2π fc है, ये एसी लिया है, सिमिलरली ये एएम ले रहे हैं और ये 2π fm ले रहे हैं। अब ऐसे एमटी में जो हमारा ये एमटी है, इस एमटी में इसको पुट कर देंगे, इस एमटी में इसको हमने उठा के पुट कर दिया, ये कुछ ऐसा आ गया एसी 1+KAAM cos 2π mt, ये इस तरीके से। अब यहाँ पे एक टर्म निकल के आया जो कि है KA इंटू AM, ये क्या होता है, इसको म्यू बोलते हैं, जो इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन का इंडेक्स, ये हमें मॉड्यूलेशन कितना हो रहा है उसकी हमें जानकारी देता है। तो म्यू इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आया काफी ज्यादा। म्यू इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो कि KA इंटू AM के इक्वल होता है। KA AM कहाँ से आया, आपने एस एम को लिया और आपने एम टी को लिया, उनको मल्टी मतलब इस एम टी को यहाँ पे पुट करके तब आपने जो एक्सप्रेशन निकाला उसके अंदर से निकल के आया। म्यू इज मैक्सिमम ऑफ के एम टी, जनरल फॉर्मूला की बात करें ना, तो आपका जो के एम टी होगा उसकी तो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल होगी वो आपका क्या होगा, म्यू होगा, ये भी बोल सकते हैं हम। क्यों, क्योंकि ए एम क्या है, ए एम कहाँ से निकल रहा है, ए एम एक्चुअली निकल तो एम टी से ही रहा है ना, ए एम निकल रहा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी। अब कॉस के टर्म की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वन, मिनिमम वैल्यू -1, कॉस साइन टर्म -1 से 1 के बीच में लाई करते हैं, वन है। अब कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 हो गई, तो क्या बचा, ए एम ही तो बचा, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि मैक्स ऑफ के इंटू एम टी, और एम टी का मैक्सिमम क्या है हमारा, ए एम है, तो ये दोनों ये इक्विवेलेंट हो गए। ये टेक्निकल थोड़ा सा समझने की यहाँ जरूरत थी। आगे बात करते हैं, तो म्यू इनटू 100 अगर कर देंगे तो वो हमारा परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन बता देगा, या फिर उसको हम डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन भी बोल सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन, ये याद रखेंगे। अब तीन केसेस आ गए म्यू में, अगर हमारा म्यू 1 के इक्वल है तो हम बोलेंगे क्रिटिकल मॉड्यूलेशन हो रहा है हमारा। चैनल उतना ही बड़ा हो रहा है जितना हमारा सिग्नल है। अगर म्यू लेस देन 1 है तो हमारा अंडर मॉड्यूलेशन है, या फिर म्यू लेस देन इक्वल टू 1 में डीमॉड्यूलेशन हम बोलते हैं सिंपली, जो कि सिंपल होता है। और अगर हमारा म्यू बड़ा है तो हम बात कर रहे हैं कि ओवर मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, और जहां पे डीमॉड्यूलेशन हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मतलब ओवर मॉड्यूलेशन, उतने ज्यादा मॉड्यूलेशन की नीड नहीं थी, ये कहने का मतलब है, उससे कम में भी काम चल जा रहा था। मतलब मॉड्यूलेशन क्या है, फ्रीक्वेंसीज को बहुत ज्यादा बढ़ाना, और हमारा एक लिमिट तक फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के हम सिग्नल को भेज सकते हैं। एक वायरलेसली बड़े से चैनल मतलब थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर के चैनल में हम भेज सकते हैं, पर उससे भी ज्यादा बढ़ा दिया तो वो ओवर मॉड्यूलेशन हो गया, इसकी जरूरत नहीं थी, तो उस केस में हमारा डीमॉड्यूलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आगे क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। ये हमारा फिर से वही सिग्नल एस ए एम टी, तो ए सी 1+μ cos 2π, क्योंकि जो के ए क्या था, के ए और ए एम था, उसको हमने क्या लिख दिया, इसको हमने फाइनल यहाँ पे म्यू लिख दिया, ये कुछ ऐसा बन गया, इसको इक्वेशन 1 लिया, ए सी कॉस 2π, अब इसको अलग अलग कर लिया, ये हमारा ऐसा बना, इसको इक्वेशन 2 लिखा। अब ये जो टर्म है कॉस वाले टर्म जो है, कॉस ए कॉस बी, इसको हमने फॉर्मूला लगा के ऐसे कर दिया, ए सी म्यू ओपन 2 कॉस 2π fc + fm एन कॉस 2π fc - fm, ये यहाँ पे ये fc + fm fc - ये कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, तो ये कर दिया हमने। अब यहाँ से हमारा ये जो फाइनल एक्सप्रेशन है ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से तीन चीज निकल के आती है। पहला आपका कैरियर का टर्म है जो हम अभी देखते आ रहे थे, ए सी कॉस 2π fct, वो एज इट इज है।
दूसरा आपका अपर साइड बैंड है जहां पे हमें एफसी प्लस एफएम मिल रहा है, ये अपर साइड बैंड है। और तीसरा आपका लोअर साइड बैंड है, ये लोअर साइड बैंड है जहां पे एफसी माइनस एफएम मिल रहा है। ये इक्वेशन थ्री है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसी तीनों को यूज करके हम बना सकते हैं अपना डायग्राम, ऐसे एमटी का बनाएंगे अगर, केवल फ्रीक्वेंसीज को शो कर रहे हैं उनके पीक से। ये हमारा हो गया एफसी दोनों में, ये माइनस एफसी हो गया, ओके, जो प्लस में होगा वही माइनस में भी होगा। तो ये हमारा ये जीरो है। अब ये इसका जो ये कंपोनेंट है ये लोअर साइड बैंड है और ये बाहर वाले अपर साइड बैंड है। तो ये ए सी बाई टू होता है, ये ए सी म्यू बाई फोर होता है। तो ये याद रखने की चीज है, इनका पीक ये साइड बैंड हो गए और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कैरियर हो गया एफ सी। ये बीच में एफ सी है तो एफ सी में एफ एम को जोड़ देंगे और एफ सी में एफ एम को घटा देंगे, ये वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट। ऐसे ही माइनस एफ सी में एफ एम को जोड़ देंगे और माइनस एफ सी में एफ एम को घटा देंगे, ये चीज है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस को कॉमन ले लें तो दोनों ऐड हो रहे हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस को कॉमन लें तो एफ सी माइनस एफ एम अंदर हो सकता है, वो एक अलग चीज है। नॉर्मली हमें पता है कि मिडिल फ्रिक्वेंसी में आप जो हमारा ये फ्रिक्वेंसी इसको जोड़ देंगे एक बार और एक बार एफ एम को घटा देंगे। तो ए एम की बैंडविड्थ यहां से क्या निकल के आई, ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव, मतलब दोनों पॉजिटिव वैल्यू है पर ये नेगेटिव की साइड में मिनिमम वैल्यू है। और ये हमेशा बैंडविड्थ को कैलकुलेट करने में क्या फॉर्मूला दिखा था कि पॉजिटिव वैल्यूज को ही लेना है, इनसे मतलब नहीं है, इस साइड से कोई मतलब नहीं है। तो एफ सी प्लस एफ एम माइनस एफ सी माइनस एफ एम, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये आ गया टू एफ एम। तो वही जो ऊपर देखा था टू टाइम्स ऑफ मैसेज फ्रीक्वेंसी हमारा ए एम की बैंडविड्थ आ गई। अब बात करते हैं जहां से हमारे थोड़े से न्यूमेरिकल शुरू होते हैं, डायरेक्ट इजी बेस के न्यूमेरिकल यहां से आ जाते हैं कि टोटल पावर ऑफ ए एम, ए एम की टोटल पावर क्या है उसको देखते हैं। ये एम्प्टी सिग्नल, ये कुछ ऐसा है एफ एम और माइनस एफ एम केवल, ये जीरो फ्रिक्वेंसी के इधर उधर है। अब इसको ट्रांसमिट करेंगे तो ये तो हमारा बहुत बड़ा एंटीना की हाइट को डिमांड करेगा, इसको नहीं कर सकते हम, इसका कैरियर मॉड्यूलेशन कराएंगे कैरियर सिग्नल के साथ में। तो इसकी जो पावर होती है वो कैसे होती है, पीसी पावर ऑफ कैरियर सिग्नल प्लस पावर ऑफ अपर साइड बैंड प्लस पावर ऑफ लोअर साइड बैंड, जो ऊपर हमने देखा था। ये जो ये था इसमें तीन कंपोनेंट थे, जो ये फॉर्मूला था नंबर थ्री वाला, ये वाला, ये तो इसमें तीन कंपोनेंट है। तो वो तीनों की अलग अलग पावर को हम लेंगे, ये पीसी प्लस पीयूएसबी प्लस पीएलएसबी। अब पीसी क्या होता है, आपका जो एसी बाई टू था तो एसी स्क्वायर बाई टू आर होता है, ये पावर होती है पीसी की। ये हमारा जो कंपोनेंट है उसी को हमने ले लिया एसी बाई टू, उसका स्क्वायर कर दिया एसी स्क्वायर बाई टू आर। और वीएम कॉस टू पाई एफ नॉट टी, सो ये जैसे हमने एग्जांपल लिया है एक सिग्नल वीएम कॉस टू पाई एफ नॉट टी, मतलब एक साइनसोइडल सिग्नल को लिया और देखते हैं कि उसकी पावर को, हाउ टू कैलकुलेट पावर ऑफ साइनसोइडल सिग्नल, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक साइनसोइडल सिग्नल है उसकी पावर हमारा वी आर एम एस, जो उसका वोल्टेज या पीक वैल्यू ये है, इसका आर एम एस वैल्यू अपॉन आर के इक्वल होता है। अब यहाँ पे इस केस में वी आर एम एस है हमारा जो वी एम है, वी एम बाई रूट टू होता है, वी आर एम एस ये जो वी एम है इसके रिगार्डिंग वी एम बाई रूट टू। अब क्योंकि वी आर एम एस का स्क्वायर तो वी स्क्वायर वी एम स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा, ये यहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है। तो ये बाई डिफॉल्ट फॉर्मूला ये हमने नेटवर्क में या फिर सिग्नल में पढ़ा है, ये याद रखेंगे। तो यही हमने यहाँ पे यूज किया है। तो ये हमारा ए सी, क्योंकि ए सी कॉस टू बाई एफ नॉट टी एफ सी टी जो था हमारा कैरियर सिग्नल सी टी, तो ए सी अपॉन ए सी स्क्वायर अपॉन टू आर इस तरीके से। अब बात करेंगे यूएसबी और एलएसबी की, क्योंकि इनकी पीक वैल्यू सेम होती है, इनकी क्या होता है पीक वैल्यू सेम होती है, पीक वैल्यू सेम, दोनों का पावर हमारा इक्वली आएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर हो रहा है इस वजह से भी इक्वली आएगा। तो ए सी म्यू अपॉन टू, जो हमने ऊपर पीक देखा था, ये जो पीक देखा था हमने, इसको मैं बोला भी था कि इसका पीक ये वाला पीक, ये वाला पीक, ये तो इसी को स्क्वायर कर देंगे अपॉन टू आर कर देंगे, ये आ गया। तो ए सी म्यू अपॉन टू का स्क्वायर अपॉन टू आर जो फॉर्मूला हमारा है बाय डिफॉल्ट, तो ये ए सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन एट आर के इक्वल हो गया। जो टोटल पावर है वो पी सी प्लस पी एस बी साइड बैंड। अब ये पी एस बी क्या है, साइड बैंड मतलब ये दो साइड बैंड से मिलकर बनाए यू एस बी और एल एस बी, तो जो हमारा ये आया इसका टू टाइम्स कर देंगे। तो ये हमारा ऐसा आ गया ए सी स्क्वायर अपॉन टू आर कॉमन, ये वन प्लस हमारा म्यू स्क्वायर अपॉन टू, ये हमारा फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो पी टी पी सी, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ये क्या है, ये पी सी के इक्वली है, जो पी सी है वही पी सी हमारा इसके अंदर से भी निकलता है, ये जो है ना ये ए सी स्क्वायर अपॉन ये, इसमें से टू और फोर को अलग अलग कर दें एट का, तो ये हमारा यहाँ से भी निकलता है। तो पी सी कॉमन है, तो वन प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन टू, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, पी सी प्लस पी एस बी। इसमें यू एस बी एल एस बी इक्वल है और वो इसके डबल होते हैं, पी एस बी अपॉन टू बोले पी सी म्यू स्क्वायर अपॉन आर, ये
ओके okay, इसको हम ये जो हमारा ये है यहाँ तक लाते हैं ठीक है। इसमें पीसी को क्या रखते हो, पीसी की वैल्यू रखते हो ए सी स्क्वायर अपॉन टू, और ये म्यू स्क्वायर अपॉन ये क्या बन गया ए सी स्क्वायर अपॉन एट, और ये म्यू स्क्वायर और आर, इसमें आर भी था। इसमें यहाँ पे पीसी में आर होता है, हाँ ये आर है, ये पीसी पूरा है आर। ये जो है ये वैल्यू क्या बन रही है, ये जो ये वैल्यू है ये वही वैल्यू बन रही है बार बार, मुझे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिख रहा होगा उसको मैं हटाता हूँ, तो ये वही वैल्यू ये बन गई, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगना, पीसी की वैल्यू को याद कर लें और यूएसबी की एक वैल्यू को याद कर लें, अगर दोनों इक्वल ही हैं तो ए सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन एट आर। अब इससे उस तक उससे इस तक सब कुछ पहुंचा जा सकता है। फिर बात हो रही है कि जो पीसी है वो म्यू पे इंडिपेंडेंट है, तो हमें साफ दिख रहा है पीसी के अंदर कोई भी, ये पीसी है, पीसी के अंदर कोई भी म्यू का कंपोनेंट नहीं है। अब क्योंकि म्यू का कंपोनेंट नहीं है तो मतलब पीसी तो डिपेंड नहीं कर रहा, बाकी पीएसबी हमारा जो पी यूएसबी और एलएसबी है पावर साइड में वो डिपेंड करेंगे, तो इसमें म्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि इसमें ये म्यू है और वो भी उसका स्क्वायर है, अगर म्यू के म्यू होता तो टू म्यू बढ़ा तो उधर भी टू बढ़ेगा, यहाँ टू बढ़ा फोर बढ़ गया उधर, क्योंकि स्क्वायर है। तो पीएसबी और पीटी जो हमारा पीएसबी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और पीटी के अंदर भी हमारा पीएसबी है, पीटी के अंदर हमारा पीएसबी है तो हमारा पीटी भी बढ़ेगा, तो म्यू मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बढ़ने से हमारा काफी ज्यादा बढ़ जाती है पावर डिमांड। ये पावर का पूरा कैलकुलेशन था। अब बात करें अगर म्यू को जीरो कर दें तो कोई भी मॉड्यूलेशन नहीं हो रहा, ऑब्वियस सी बात है मॉड्यूलेशन इंडेक्स ही जीरो है, तो जो पावर ट्रांसमिटेड है वो हमारा क्या है पीसी के इक्वल आ गया, जो केवल कैरियर कंपोनेंट है। अगर म्यू वन है मतलब 100% मॉड्यूलेशन, तो इससे भी समझ में आ रहा है कि म्यू की वैल्यू हमारा जीरो से वन के बीच में होती है, मतलब बहुत बड़ी नहीं होती, ऐसे 0.8 इतना मॉड्यूलेशन हुआ है, 0.7 इतना मॉड्यूलेशन हुआ है, इस तरीके से ये चीज निकल के आई। तो पी टी इज पी सी इंटू 3/2 इस केस में, या फिर बोलेंगे तो 1.5 पी सी। ये कहाँ से निकल के आया, ये यहाँ से निकल गया, ये इस फॉर्मूले में म्यू को म्यू हमें पता है 1, तो ये 1+1/2, ये 3/2 यहाँ से निकल के आया, तो हमारा डेढ़ गुना पावर हमारा पी सी के 1.5 टाइम पावर हमारा हो रहा है टोटल। ओके तो एज म्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1 देन टोटल ए एम पावर पी टी इज इंक्रीजेस बाई 50%। तो जैसे जैसे म्यू हमारा 0 से 1 बढ़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ा, तो हमारा जो पावर टोटल थी वो हमारा 50% से बढ़ गई। तो ये छोटा सा पॉइंट है थियोरेटिकल एक एम सी क्यू लिए याद करने के लिए, एम सी क्यू के लिए। अगर म्यू 1 है तो पी सी 2/3 पी टी है, या ये तो वो तो पी टी और पी सी का रिलेशन था, अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या बन गया 2/3 बन गया, ये क्या था पी टी इज इक्वल टू 3/2 पी सी, अब इसको इधर ले गए तो ये 2/3 बन गया, तो इजी है ये 2/3 बना, तो ये क्या 66% ऑफ पी टी, मतलब पी सी के अंदर ही केवल 66 ऑफ 6% पावर हमारा होता है, और इस पी सी की ज़रूरत भी नहीं है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली, इस पी सी की ज़रूरत भी नहीं है, जो हमारा साइड बैंड है साइड बैंड में दोनों साइड बैंड मिला के केवल 33.3% ही पावर यूज़ करते हैं पी टी की। तो पीसी को भेजना तो नहीं चाहिए फिर भी, मतलब जो सिंपल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है उसमें भेज देते हैं, क्योंकि डिमॉड्यूलेशन हमारा थोड़ा आसान हो जाता है। ये फिर से वही चीज लिखा है कंक्लूजन, म्यू इज इक्वल टू 0, पीसी इज इक्वल टू 100% ऑफ पीटी, एंड पीएसबी हमारा जो है वो 0% ऑफ पीटी है, अभी तो 0% है साइड बैंड कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि म्यू 0 है तो हमारा पीसी ही पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन ले लिया। अगर म्यू को 1 कर देते हैं तो पीसी 66.6% हो जाता है और पीएसबी 33.33% हो जाता है, तो म्यू के बढ़ाने से हमारा पीसी घट रहा है, एक चीज ये कंक्लूजन निकला, म्यू के बढ़ाने से पीसी घट रहा है। वैसे पीसी म्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा था हमने जो ऊपर देखा, पर फिर भी क्योंकि साइड बैंड डिपेंड कर रहा है और पीटी जो है वो दोनों का टोटल है, तो पीसी हमारा एक बढ़ेगा, तो अगर पीएसबी बढ़ेगा तो दूसरी वाली चीज घटेगी, ये चीज अगर मान लो म्यू 0.5 है तो 0.5 के लिए हमारा 89% ये पीसी 89% और ये हमारा पीएसबी 11% ओनली। अगर हम म्यू को मैक्सिमम करते हैं 1 तो भी ये स्टिल वेरी हाई, तो भी ये बहुत हाई है पीसी 66.66%। सपोज यहाँ करते हैं म्यू को 1, अब मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने 300 वॉट पावर ट्रांसमिट के लिए रखी, उसमें से उसका क्योंकि मतलब 3 2/3 पार्ट जो कि है 200 वॉट, मतलब 66.66% वो हमारा सिटी में जा रहा है जो कि पूरी तरीके से वेस्टेड है, केवल हमारे मैसेज सिग्नल के लिए ट्रांसमिशन के लिए 100 वॉट ही यूज हो रहा है। तो सपोज पी टी इज इक्वल टू पी सी प्लस पी एस बी, अब लेते हैं अगर 25 वॉट है तो उसका 20 वॉट और 5 वॉट, ये एक एग्जाम्पल है ये, तो पी सी क्या है 80% ऑफ पी टी है, यहाँ तो और ज्यादा है,
और पीएसबी क्या है, 20% ऑफ पीटी, 20% ऑफ पीटी है। अब यहीं पे बात करते हैं कंक्लूजन है समझने का, कि अगर हम म्यू को बढ़ा देते हैं, मान लो हमने म्यू को बढ़ा दिया, म्यू की वैल्यू को, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि जो आपका पीसी है, पीसी 20 वॉट पहले भी था और 20 वॉट अब भी रहेगा, तो पीसी कभी बदलता नहीं है। ये समझने की बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पीसी की वैल्यू नहीं बदलेगी आप म्यू को बढ़ाओगे। हाँ, म्यू को बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो फर्क आएगा, तो आपका पीटी पे फर्क, पीएसबी पे फर्क आएगा और पीटी पे भी आएगा, क्योंकि पीटी दोनों का सम है। तो पहले आपका पीएसबी अगर 5 था तो आपका टोटल 30 हो गया, पहले 25 था, ये 10 वॉट हो गया। ओके, तो ये चीज आई। यहां हमने माना कि म्यू हमारा 1 से छोटा था, यहाँ पे हमने क्या मान लिया, इस केस में म्यू हमारा हमने 1 लिख लिया, म्यू इज इक्वल टू 1। अच्छा, म्यू इज इक्वल टू 1 के लिए तो ये कंपोजिशन है 66:33 का, तो हमारा ये वैल्यू हमें सब न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत काम आती है। पीसी को कभी भी नहीं बदलना है, अगर म्यू बदलना है, कैसे भी बदलना है, म्यू पीसी को नहीं बदलना। पीसी वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ म्यू, एज म्यू इंक्रीजेस परसेंटेज ऑफ पीसी विल बी डिक्रीज। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि हम बात कर रहे हैं पीसी नहीं बदलेगा, परसेंटेज ऑफ पीसी बदलेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पे क्या है, पहले 80% था, 66% हो गया, वैल्यू सेम है, तो परसेंटेज बदलेगा क्योंकि पीटी बदल रहा है, क्योंकि पीसी क्या है, पीसी एक पार्ट है पीटी का, इज अ पार्ट ऑफ पीटी। अब पीटी बदल रहा है और पीसी नहीं बदल रहा है, तो पीटी बदलने से परसेंटेज ऑफ, मतलब पार्ट ऑफ पीसी बदलेगा, पर पीसी की वैल्यू नहीं बदलेगी, ये समझने वाली बात है। पीसी की वैल्यू नहीं बदलेगी, वो 20 वॉट पहले भी थी और 20 वॉट अब भी है। म्यूजिकल इज द बेस्ट पॉसिबल केस ही नहीं है, मतलब मैक्सिमम केस है, तो तब भी हमारा 66.66% पावर वेस्ट ही हो जाता है। अब यहाँ से पावर देखा और पावर वेस्ट होना ये देखा, तो फिर एफिशिएंसी की बात तो आएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो पावर एफिशिएंसी ईटा, इसको बोल सकते हैं मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी भी या फिर ट्रांसमिशन एफिशिएंसी भी। तो इस पीएसबी अपॉन पीटी, मतलब एफिशिएंसी का मतलब है कि हमारा जो यूजफुल चीज़ है उसी के, तो उसी के लिए तो एफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे। हमारा यूजफुल है मैसेज सिग्नल, मैसेज सिग्नल किससे रिलेट करता है, साइड बैंड से। तो पीएसबी अपॉन पीटी मतलब कितना साइड बैंड को भेज पा रहे हैं पीटी के अंदर, उसको हमारा एफिशिएंसी बोला है। इसको लगा देंगे पीसी म्यू स्क्वायर बाई टू और ये पीसी 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन टू, तो पीसी पीसी कट के, तो ये हमारा शॉर्ट में फॉर्मूला भी आ गया, म्यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू स्क्वायर, ये ईटा का फॉर्मूला होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखेंगे, म्यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू स्क्वायर, एज म्यू इंक्रीजेस ईटा डिक्रीजेस। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बढ़ने से हमारा, सॉरी, ईटा इंक्रीजेस, एफिशिएंसी भी बढ़ता है, क्योंकि हमने देखा कि मैक्सिमम हमारा जो हमारा साइड बैंड का कंपोनेंट है वो 33.33% को भेज सकते हैं जब म्यू हमारा 1 के इक्वल है, म्यू 1 के इक्वल है। अब ये तो अलग बात आ रही है, ये 33.3% एफिशिएंसी है, मतलब एफिशिएंसी का फॉर्मूला कुछ ऐसा है। तो 0.8 के लिए हम इतना भेज सकते हैं, 33.33% एफिशिएंसी हमारी हो जाएगी। तो ऐसे बढ़ रहा है, 0 के लिए एफिशिएंसी 0, 0.5 के लिए 11.11, 0.7 के लिए 20% केवल, इस तरीके से बढ़ता है। जैसे म्यू बढ़ता है हमारा, ये म्यू बढ़ रहा है, ऐसे एफिशिएंसी भी बढ़ती है। करंट रिलेशंस एएम, एएम में कुछ और रिलेशंस देखते हैं, करंट के रिलेशन देखते हैं। आईटी क्या है, क्योंकि हमने पावर की बात करी, वोल्टेज भी एसोसिएटेड है तो करंट भी एसोसिएटेड होगी, तो आईटी इज टोटल एएम करंट, और आईसी क्या है, जो कैरियर की करंट है। तो पीटी इज इक्वल टू पीसी 1 प्लस म्यू स्क्वायर पॉइंट टू, ये फॉर्मूला रिकॉल करते हैं ऊपर से। अब इसमें पीटी और पीसी को उनके करंट कंपोनेंट में चेंज कर देते हैं, तो आई पी क्या होता है, आई स्क्वायर आर, तो आई टी स्क्वायर आर और आई सी स्क्वायर आर कर दिया 1 प्लस म्यू स्क्वायर पॉइंट टू। तो आई टी इज इक्वल टू आई सी, अब इसका रूट ले लिया, स्क्वायर कंपोनेंट हटा दिया, तो रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर पॉइंट टू, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक आया, कभी कभी काम आ जाता है। आई सी वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ म्यू, तो जो आई सी है, जैसे कि क्योंकि पी सी इंडिपेंडेंट ऑफ म्यू था तो आई सी भी इंडिपेंडेंट ऑफ म्यू होगा, तो जैसे जैसे म्यू को बढ़ाएंगे तो हमारा आई टी जो है ये टोटल ये बढ़ेगा, म्यू इज इक्वल टू 0 है तो आई टी हमारा आई सी के इक्वल ही हो जाएगा। तो जो ऊपर था कि म्यू इज इक्वल टू 0 पे पी टी किसके इक्वल हो रहा था, पी सी के इक्वल हो रहा, तो वही चीज। वोल्टेज रिलेशन की बात करते हैं, वोल्टेज क्या होता है, पावर इज वी स्क्वायर अपॉन आर, ये ऐसे बदल दिया, वी टी स्क्वायर अपॉन आर, वी सी स्क्वायर अपॉन आर, आर से आर कट गया, तो ये उसी तरीके से फिर आ गया, वी टी स्क्वायर टू वी सी रूट 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू, तो सेम चीज आई, अंदर की चीज सेम है, बस वहां आई टी स्क्वायर टू आई सी या वी टी स्क्वायर टू वी सी है। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दो तीन, तो यहाँ पे हमने क्या बात करी है, क्वेश्चन ले रहे हैं कि बोल रहे हैं एक अनमॉड्यूलेटेड एम पावर है, अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल,
कि एम पावर की बात करें तो 600 वॉट है, अनमॉड्यूलेटेड है, ये याद रखेंगे। ये क्या है, अभी तो पीटी टोटल ही है। फिर हमने क्या किया कि एम पावर को हमको बताना है, अगर 100% मॉड्यूलेशन कर दें इसका मतलब है कि म्यू को 1 कर दें, ये इसका मतलब है कहने का। अनमॉड्यूलेटेड मतलब म्यू 0, ये म्यू इक्वल टू 1। पीटी यहाँ पे दिया है, यहाँ पे निकालना है। अब क्योंकि पीटी ये है और पीसी बदलता नहीं है, तो यहाँ पे भी पीसी का कंपोनेंट होगा। पीटी इक्वल टू पीसी, क्योंकि म्यू म्यू के 0 होने पर क्या होता था, अगर म्यू 0 है तो पीटी पीसी के इक्वल होता था कि नहीं होता था, ऊपर के फॉर्मूले से होता था। तो पीसी ये है और पीसी ये है, तो पीसी यही रहेगा भी आगे भी। अब हमको पता है कि पीसी जब हम म्यू को 1 कर देते हैं तो पीटी ये 66.66% कंपोनेंट को लेता है, तो पीसी 66.66% ऑफ पीटी, जो क्योंकि म्यू के 1 होने पर होता है, तो पीसी हमारा सेम रहेगा, वैल्यू 600 ये हमने लगाया, तो यहाँ से पीटी निकाल लिया। तो हमने जो पीटी फाइनल है हमारा जब म्यू इक्वल टू 1 है वो निकाल लिया, वो होगा 900 वॉट। या हम ऐसे भी कह सकते थे कि ये पीटी पहले 600 वॉट था, और पीटी किसके इक्वल होता है, पीसी के इक्वल होता है, तो पीसी इतना है। अब हमने 100% मॉड्यूलेशन कर दिया, मतलब जो हमारा पीसी है वो 2/3 कंपोनेंट को ले रहा है, वो भी 66.66 को ले रहा है। तो 600 वॉट किस चीज़ का, 2/3 है 900 वॉट का, सीधी सी बात है। तो ये चीज़ हमारा आ गया। अब हम एक क्वेश्चन और लिया छोटा सा, कि ईच साइड बेंड पावर हमारा 200 वॉट है, साइड बेंड ईच साइड बेंड की बात कर रहा है, अपर भी और लोअर भी। ओके, टोटल हमारा 400 वॉट हो गया। म्यू हमारा 0.5 दिया है, पीसी और पीटी निकालना है, तो पीएसबी हमारा टोटल 400 आ गया, म्यू हमारा 1/2 आ गया। अब पीएसबी का फॉर्मूला जो होता था इन द टर्म ऑफ पीसी होता था, वो पीसी हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो पीसी इज पीएसबी इंटू 2/μ² 400 इंटू 2.5, 3200 हमारा आ गया पीसी। अब पीसी आ गया, पीएसबी हमें पता ही है 400, तो पीटी पीसी प्लस पीएसबी 3600 वाट आ गया। एफिशिएंसी निकालेंगे, वो भी निकाल लेंगे, पीएसबी अपॉन पीटी। एफिशिएंसी केवल पीएसबी से रिलेटेड होती है, उसमें पीसी का कोई काम नहीं होता, या फिर म्यू स्क्वायर अपॉन 2+μ². अब क्योंकि निकाल तो हमने पीएसबी और पीपीटी दोनों लिए थे, हम ऐसे भी कर सकते हैं, पर क्योंकि म्यू से आसान है करना, तो म्यू स्क्वायर अपॉन 2+μ² तो 11.11% हमारा एफिशिएंसी आ गया। ईजी है। एन अनमॉड्यूलेटेड ए एम करेंट इज गिवन बाई 5 एम्पेयर। एक अनमॉड्यूलेटेड की बात करिए तो बहुत ध्यान से देखेंगे, अनमॉड्यूलेटेड ए एम करेंट की बात कर रहा है जो कि 5 एम्पेयर है। फाइंड द ए एम करेंट विथ 50% ऑफ मॉड्यूलेशन। अब ए एम करेंट हमें बतानी है जब हमने मॉड्यूलेशन को 50% कर दिया, तो क्या है, म्यू इक्वल टू 0, आई टी 5 एम्पेयर, मतलब आई टी इक्वल टू आई सी 5 एम्पेयर। अब आई सी नहीं बदलता, मतलब सी वाला कोई भी कंपोनेंट, वी सी पी पी सी आई सी बदलेगा नहीं, वो वैल्यू सेम रहेगी। तो आई टी अब हमें बताना है जब म्यू को 0.5 कर दिया, और आई सी हमारा 5 एम्पेयर है, तो आई टी को निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, आई सी √1+μ² 0.2। आई सी हमको पता है, म्यू हमको पता है 0.5, निकाल लेंगे तो 5.3 एम्पेयर आ गया। पहले 5 था, उसमें थोड़ा सा बढ़ गया, 5.3 एम्पेयर हो गया। एन ए एम करेंट, फिर क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। एन ए एम करेंट 10 एम्पेयर एंड म्यू 0.4, फाइंड द ए एम करेंट विद म्यू इक्वल टू 0.8। तो यहाँ पे अब अनमॉड्यूलेटेड वाला कोई भी केस नहीं है, मॉड्यूलेशन है, एक बार कुछ और है, एक बार उससे ज्यादा है। तो 10 एम्पेयर था म्यू वन के लिए, इसको म्यू वन मान लिया, तो आई टी वन निकाल लेंगे, 10 एम्पेयर है आई टी वन, तो आई टी वन हमें गिवन है, तो आई सी निकाल लेंगे इससे। अच्छा, आई सी जो निकला, आई सी सेम रहेगा, आई सी चेंज ही नहीं होगा, आई सी 9.62 एम्पेयर निकला, आई सी वही रहेगा। तो अब हमें आई टी टू निकालना है, ओके, आई टी टू निकालना है, म्यू टू हमको गिवन है और आई सी गिवन है, तो इजी, आई टू टू ये हमारा, ये आई सी लगाया 1+μ² 0.2 इतना आ गया। इस तरीके से ये तो हमारा मेथड वन है और ये हमारा मेथड टू है। मेथड टू क्या कहता है, आपने म्यू वन लिया, उसके रिगार्डिंग आई टी वन पता है, म्यू टू उसके रिगार्डिंग आई टी टू हमको निकालना है। जो दोनों के फॉर्मूले होते हैं उनको हम डिवाइड कर देंगे, आई टी टू अपॉन आई टी वन, तो आई सी से आई सी कट जाएगा, केवल म्यू टू स्क्वायर अपॉन 2+1 और 1+μ² 0.2, मतलब एक ही चीज़ है ये बचेगा। तो इसमें हम आई टी टू को निकालना, आई टी वन को हम उधर भेज देंगे, तो ये आ गया, इसमें वैल्यू रख देंगे आई टी वन की और इनकी, तो हमारा ये सेम वैल्यू 11.05 एम्पीयर आ जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन और थोड़ा सा और एडवांस, कि कैरियर सिग्नल दिया है। अब हमें जो इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल जो हमें एग्जाम में मिलेगा उस फॉर्म में, अभी तक एक वैल्यूज दे दे रहे थे, इस ए एम मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बाय अ मैसेज सिग्नल दिया है, ओके, इस विद म्यू हमें दिया 0.5,
एंटीना का रेजिस्टेंस दिया है, आर की वैल्यू दी है, म्यू की वैल्यू दी है, ओके, और एफ सी एफ एम जो है वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। फाइंड बैंडविड्थ और पावर ट्रांसमिटेड एंड एफिशिएंसी, तीन चीज़ हमें निकालनी है। तो सी टी इज ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी के इक्वल होता है, तो इसको कंपेयर करेंगे जो इनके मेन फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ से ए सी निकल के आया 10, ए सी की ज़रूरत है हमें 10 निकल के आ गया, और फ्रिक्वेंसी इसकी ये 10 की पावर 6 है, मतलब ये 1000 किलो हर्ट्स है, ओके, या 1 मेगा हर्ट्स बोल सकते हैं। तो एम टी क्या है, 4 cos 4 pi, तो यहाँ से ए एम निकल के आ गया हमारा 4, और एफ एम ये निकल के आ गया, ये एफ एम इज 20 किलो हर्ट्स निकल के आ गया। क्यों, यहाँ से हम 2 को बाहर ले लेंगे क्योंकि हमारा ये cos 2 pi f c t में सारे फॉर्मूले हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, cos 2 pi और ये 20 की into 10 की पावर 3 t, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। तो ये 20 into 10 की पावर 3, मतलब ये 20 किलो हर्ट्ज हमारा फ्रिक्वेंसी निकल के आ गया। तो इसकी बैंडविड्थ क्या होती है, 2 टाइम्स ऑफ मैसेज सिग्नल होती है। ये फॉर्मूला मतलब थ्योरेटिकल ऐसे मुंह पे होना चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ मैसेज सिग्नल, तो 2 fm, तो ये क्या आ गया, 20 into 2 40 किलो हर्ट्ज आ गया, तो बैंडविड्थ निकल के आ गई। अब पी सी निकाल लेंगे तो ए सी स्क्वायर अपन 2 R, ए सी पता है, आर पता है, तो ये 10 वॉट आ गया। पी टी निकाल लेंगे तो पी सी बल प्लस म्यू स्क्वायर, म्यू पता है, ये 11.25 वॉट आ गया। अब ये आ गया, अब एफिशिएंसी निकालनी है, तो हम उसके लिए हमारा जो पी एस बी और पी टी उस सब की जरूरत नहीं है, आप सीधे म्यू से निकालो, म्यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू स्क्वायर, तो यहाँ से 11.11% इसकी एफिशिएंसी आ गई। यहाँ हम ऐसे भी कर सकते थे, थोड़ा सा और कंक्लूजन, पी एस बी हमारा 1.25 वॉट है, पी यू एस बी इसका आधा है 0.62 वॉट, एफ सी हमारा 1000 किलो हर्ट्ज है। तो इसकी अगर कंपोनेंट हमें, ये तो क्वेश्चन में नहीं है फिर भी कर रहे हैं, कंपोनेंट बोला होता है लिखने के लिए, तो एफ सी माइनस एफ एम और एफ सी प्लस एफ एम, 1000 किलो हर्ट्ज में जो हमारा एफ एम है उसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये 980 किलो हर्ट्ज और 1020 किलो हर्ट्स, ये हमारा जगह। इस ये जो कॉन्सेप्ट है इसकी भी जरूरत पड़ेगी आगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एस टी एम को दिया है 10 cos 5000 pi t, 4 cos 4200 pi t और 4 cos 5800 pi t, म्यू निकालना है हमको, म्यू निकालना है, इतना गिवन है। अब ये हमारा ये फाइनल सिग्नल है, ये क्या है, ये तीन चीज से मिलके बना होगा, या आपका ए सी वाला कंपोनेंट और ए एम, और ए एम मतलब या आपका साइड बेंड और साइड बेंड, एक अपर एक लोअर, इस तरीके से बना होगा ये, मतलब तीन चीज से बना है आपका कैरियर सिग्नल, लोअर साइड बेंड, अपर साइड बेंड, वैसे ही लिखते हैं इसको। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं जो हमारा मेन जो हमारा इक्वेशन हुआ करती थी, पहला हमारा कैरियर का ए सी 2 पाई एफ सी टी, तो ए सी की वैल्यू आई 10 वोल्ट, यहां से निकल गई ए सी की वैल्यू आई 10 वोल्ट, तो ये तो ए सी आ गया हमारा। उसके बाद हम ये देखते हैं ए सी बाई 2 म्यू cos 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम टी, और एक हमारा एफ सी प्लस एफ एम टी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो ये टर्म है ये इंपॉर्टेंट है, ये केवल यहीं से आपका आंसर आ जाएगा और किसी चीज की जरूरत नहीं है। और ए सी हमने निकाल ही लिया है, ये टर्म क्या कह रहा है कि ए सी अपॉन 2 म्यू, ये होता है ए सी अपॉन 2 म्यू, तो म्यू ये किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, तो म्यू किसके इक्वल हो जाएगा आपका ए सी अपॉन 2 into 4। अब ए सी हमको पता है 10, सॉरी ये थोड़ा सा म्यू को डिनोमिनेटर में ले लिया था, ए सी अपॉन 2 म्यू ये है, ये हमारा 4 के इक्वल है, तो म्यू क्या हो गया 4 अपॉन हमारा ए सी, और ये 2, तो ये 8 अपॉन, ये हमारा ए सी क्या है 10, यहीं से आ गया 8/10 या फिर 4/5, 0.8, 0.8 हमारा म्यू आ गया। तो डायरेक्ट कंपैरिजन से भी हमारा काम चल सकता है, ये हमें याद होना चाहिए कि ये जो वैल्यू है इसका जो कंपोनेंट है एम्पलीट्यूड है, ये जो इसका जो कोफिशियंट है 4, ये ए सी अपॉन 2 म्यू के इक्वल होता है। अब ए एम पावर हमें दिए क्वेश्चन में 100 वॉट, म्यू दिया है हमें, ओके चलो म्यू भी दे दिया है, हमसे पूछा क्या क्या है, पी सी एंड पी एस बी पूछा है और पीक एम्पलीट्यूड पूछा है, या फिर पी टी का जो फॉर्मूला है इससे देखते हैं, पी टी हमारा 100 वॉट है, म्यू हमारा ये 1/√2 इसके इक्वल होता है, 1/√2 है, तो पहले तो एफिशिएंसी निकाल लेंगे, एफिशिएंसी कितनी आई 20% आई, तो म्यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू स्क्वायर से निकाल लेंगे क्योंकि म्यू पता है। अब ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एफिशिएंसी के दो फार्मूले हैं, एक आपका पी एस बी अपॉन पी टी और एक म्यू के टर्म में होता है म्यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू स्क्वायर। अब इससे क्या है, दोनों एफिशिएंसी के फार्मूले दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, अगर हमको म्यू पता है तो हम पी एस बी पी टी तक पहुँच सकते हैं, अगर पी टी भी पता है तो पी एस बी निकाल सकते हैं, और अगर हमको पी एस बी पता है और पी टी पता है तो हम पहले एफिशिएंसी को निकालेंगे उससे म्यू को निकाल सकते हैं, तो इधर से उधर या उधर से इधर हम चल सकते हैं।
क्योंकि म्यू पता था हमें, तो ईटा निकाला हमने 20%, तो पीएसबी क्या होगा, 20% ऑफ पीटी होगा। तो वही बात है, हम ये इसको पीएसबी को क्या कर देंगे कि ईटा इंटू पीटी, यही कर देंगे ना इसको इधर ले जाके, 20% ऑफ पीटी, तो पीटी 100 उसका 20% है 20 वाट, तो पीएसबी निकल के आ गया। अब पीएसबी इतना है तो बचा हुआ तो भाई के क्या होगा, पीसी होगा, जो बचा हुआ है पीसी होगा, हमने ये निकाल लिया। अब कैरियर पीक एम्पलीट्यूड की बात करें तो ये क्या है, कैरियर सिग्नल बिफोर मॉड्यूलेशन, पहले देखते हैं क्या होता है। सी टी इक्वल टू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी, पीक एम्पलीट्यूड आपका बिफोर मॉड्यूलेशन क्या होगा, ए सी, ये हमें निकालना है। तो पी सी इज 80 वॉट। अब इसका जो इससे एसोसिएटेड ए सी है, पीक एम्पलीट्यूड जो पूछा जा रहा है, ये यहाँ पे समझने वाली बात है, ए सी को पूछ रहा है, तो ए सी को निकालना है। तो आर हमें ये पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हमेशा आर को 1 ओम डिफॉल्ट ले लेंगे या उसको नेगलेक्ट ही कर दो, एक ही बात है 1 ओम लेना, तो रेजिस्टेंस को डिफॉल्ट 1 ओम लेंगे अगर कभी भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में। ये क्या हो गया, ए सी स्क्वायर अपन 2, तो ए सी स्क्वायर हो गया 160, तो ए सी हो गया √160, 12.65 वोल्ट। तो पीक एम्पलीट्यूड बिफोर मॉड्यूलेशन, पीक एम्पलीट्यूड किसका, पीक एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल बिफोर मॉड्यूलेशन। अभी तो बिफोर मॉड्यूलेशन की बात करिए, अब कैरियर सिग्नल कैसा दिखेगा आफ्टर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वो देखते हैं। ओके, तो एस टी ए एम हमारा ए सी 1 प्लस μ cos 2 πmt, ये तो हमने देखा है। इसमें एक एफ एम का कंपोनेंट है मैसेज के लिए और एक हमारा कैरियर का कंपोनेंट है एफ सी। तो कैरियर सिग्नल इसका जो पीक एम्पलीट्यूड होगा, ये ऊपर तो बिफोर मॉड्यूलेशन देखा, आफ्टर मॉड्यूलेशन क्या होगा इसका पीक एम्पलीट्यूड, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आफ्टर हमारा एम्पलीट्यूड ये वेरी करता है, इसका पीक एम्पलीट्यूड वेरी करता है, क्यों वेरी करता है वो भी देखेंगे। ये इस तरीके से वेरी करता है क्योंकि ये इसका क्या कंपोनेंट है, एसी के संग ये कॉस 2 πfct आ गया, तो 1 प्लस μ cos 2 πfmt इसमें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें जो कॉस 2 πfmt, ये कॉस क्या है, कोसाइन फंक्शन, वेरी करता है उसका पीक। तो जैसे जैसे उसका पीक वेरी करेगा, ऐसे ऐसे हमारा पीक एम्पलीट्यूड इसका कैरियर सिग्नल का भी वेरी करेगा आफ्टर मॉड्यूलेशन। तो सपोज एक एनटी लेते हैं कुछ इस तरीके का, हमने साइनसॉइडल सिग्नल ले लिया। ओके, सी टी हमको पता है वो ऐसी फ्रिक्वेंसी का पास पास ही है, ऐसे हमने सी टी लिया जिसकी ये ए सी और माइनस ए सी के बीच में बाउंड है। ओके, तो अब इसको ये ट्रिक भी है हमारा जो फाइनल आउटपुट है उसको ड्रॉ करने के लिए, ड्रॉ करने का क्या है, आप इसके एनवलप को ले लो, इसके एनवलप को लेके और उसके अंदर सी टी को बना दो। ये वही चीज जो हमने पीछे भी दिखा था, एम टी के बाउंड्री को लेकर सी टी को बनाना। इसका एनवलप कैसा है, इसका एनवलप कुछ ऐसा है, और एनवलप होता क्या है, तो ये जो चीज है ये आपका एनवलप है, ये जो ये चीज है ये आपका एनवलप है, इसको एनवलप बोलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो इसके अंदर क्या है, अभी तो ए मैक्स ये है, अभी ये ए मिन यहाँ चला गया, तो ये पीक बदल रहा है, फिर ये हो गया, तो मिनिमम जाएगा इतना जाएगा, मिनिमम जाएगा इतना, ये जो आपका जीरो मिनिमम होता था अभी जीरो नहीं होगा, मतलब ये दिखने के लिए ऐसा होगा। मतलब आप क्या करेंगे, ये जो आपका ये है इसी को आप ड्रॉ करेंगे, पर इसको दो बार में ड्रॉ करेंगे, आप पहले ऊपर ड्रॉ कर दो, ये ऐसा ही ड्रॉ किया, ये सेम चीज ऊपर ड्रॉ कर दी और सेम नीचे ड्रॉ कर दी और उसके बीच में हमारा सिग्नल है। तो ये क्या किया है, इसी एम टी को हमने दो बार में ड्रॉ किया, एक बार ऊपर एक बार नीचे। अब एनवलप डिटेक्टर केवल पॉजिटिव एनवलप को ही डिटेक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, पॉजिटिव को, इसका पॉजिटिव क्या, पॉजिटिव कुछ ऐसा ही है, पर क्योंकि ये जीरो से क्रॉस कर रहा था, अभी जीरो से क्रॉस नहीं करेगा, ये ऐसे जाएगा, मतलब जीरो से क्रॉस कर रहा था, मतलब मान लो कि ये वाला पॉइंट कहीं पे ये पॉइंट हुआ करता था, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब कुछ मैथमेटिकल बात करते हैं, ऐसे एम टी क्या है, सी टी प्लस के एम टी सी टी के इक्वल होता है कैरियर सिग्नल, और के मल्टीप्लाई जाएगा एम टी सी टी में, तो एम टी प्लस डी सी, अगर हम क्या बात करें एम टी में कुछ डी सी टर्न को ऐड कर दें, यही तो हमारा एनवलप है। एनवलप क्या है, जो हमारा एम टी था, हमारा एम टी ये था, इसी को अगर हम कुछ डीसी को ऐड करते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, ये हमारा डीसी को ऐड किया तो ये सिग्नल सेम सिग्नल हमारा ये ऊपर शिफ्ट हो गया, ये वही सिग्नल है, बस ये इतना ऊपर शिफ्ट हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि हम डीसी को ऐड कर रहे हैं, ये इसी चीज़ के इक्वल है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम टी प्लस डीसी इंटू सी टी, ये क्या था, ये सी टी को अगर कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस KAMT, ये के को हम ले लेंगे अभी 1, तो ये जो है ये इसको लिख सकते हैं एम टी सी टी प्लस डी सी सी टी, ये डी सी इंटू सी टी, तो विद के इज इक्वल टू 1, अगर के को 1 ले लिया तो ये क्या निकल के आया, एम टी प्लस डी सी, ये जो यहाँ से ये एम टी प्लस डी सी, एम टी प्लस डी सी इज कॉस 2 πfct, तो ये जो डी सी है यही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा आउटपुट निकल के आया ये एस एम टी का, ये समझ में आया।
उसके बाद बात करते हैं मैक्सिमम पीक एम्पलीट्यूड ऑफ एम सिग्नल, ए मैक्स क्या होता है, तो एसी वन प्लस म्यू इंटू वन, के कॉमन ले रहे हैं, ये हमारा मैक्स होगा, एसी ए मैक्स होगा एसी म्यू प्लस वन, या फिर बोलेंगे वन प्लस म्यू, वन प्लस म्यू बोल सकते हैं, यहाँ पे वन माइनस म्यू, तो वन प्लस म्यू और वन माइनस म्यू के बीच में वेरी करता है। ए मिनिमम क्या होगा, ए मिनिमम वैसे तो हमारा पॉइंट होना चाहिए था ये वाला, ये पॉइंट जो हमारा मेन सिग्नल है उसके अंदर ये पॉइंट होना चाहिए था, पर उसी सिग्नल को कुछ हमने ऐसे बना दिया है, तो अब ये पॉइंट यही सेम पॉइंट है बट ये जीरो के ऊपर होगा, ये ए मिनिमम होगा, तो ए सी वन माइनस म्यू, तो ए सी क्या होगा दोनों का एवरेज होगा, ए सी मैक्स प्लस ए सी मिन अपॉन टू, ये भी बोल सकते हैं, या फिर म्यू इज इक्वल टू, यहाँ से म्यू निकाल सकते हैं, ए सी क्या होता है दोनों का एवरेज होता है, ए सी ए मैक्स प्लस ए मिन अपॉन टू, तो इसको और इन फॉर्मूलों को यूज करके हम म्यू निकाल सकते हैं, तो म्यू का एक और फॉर्मूला निकल गया है, म्यू के काफी सारे फॉर्मूले हैं सब इंपॉर्टेंट है, विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, पीक वैल्यूज निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, ओके, तो ए मैक्स माइनस ए मिन और ए मैक्स प्लस ए मिन, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक निकल के आया। एक क्वेश्चन कर लेते हैं हाथ के हाथ की, पीक एम्पलीट्यूड ऑफ एम सिग्नल वेरिंग बिटवीन 2 वोल्ट एंड 10 वोल्ट, वेरी कर रहा है 2 वोल्ट और 10, मतलब 2 मिनिमम होगा 10 मैक्सिमम होगा, फाइंड म्यू पी टी ईटा, तो म्यू निकालने के लिए 8 अपॉन 12 मतलब ए मैक्स माइनस ए मिन और ए मैक्स प्लस ए मिन, मतलब 10 माइनस 2 और 10 प्लस 2, मतलब 8 अपॉन 12, म्यू हमारा इतना निकल के आया, म्यू इतना निकल के आया म्यू इतना निकल के आया तो हम, और ए सी तो हम यहीं से निकाल सकते हैं ए मैक्स ए मिन से, तो ए मैक्स प्लस ए मिन मतलब 10 प्लस 2 अपॉन 2 12 अपॉन 2, 6 वोल्ट, ये हमारा ए सी निकल के आ गया, तो दो चीज़ तो हमने ये जो ऊपर फॉर्मूले दिख रहे हैं यहीं से निकाल ली, ओके। अब पी टी निकालना है, पी टी क्या होता है ए सी अपॉन 2 आर, ए सी स्क्वायर अपॉन 2 आर, आर को एक 1 ले लो डिफॉल्ट, पी टी 36 अपॉन 2, 18 वोल्ट निकल के आ गया। अब ईटा को आप निकाल लो म्यू से ही, तो म्यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू स्क्वायर, जो भी म्यू की वैल्यू निकल के आई 0.6, उसको लगा के ईटा आ गया, या फिर बोले 18% एफिशिएंसी आ गया।